गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो सुबह जैसे ही हमने ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया, वैसे ही हमारे जो सिलेंडर है मतलब वो खत्म हो गया, गैस खत्म हो गई हमारी। तो बस मैंने फ़ोन किया एजेंसी वालों को, तो यहाँ पर डिलीवरी कर देने आते हैं, रोड से जाते हैं, तो वहाँ से मतलब लेकर आया सिलेंडर। अभी तो अभी देखो सिलेंडर अभी लेकर आया हूँ और धुलकर मैंने रख दिया धूप में। तो अब बस सिलेंडर लगाएंगे और अब ब्रेकफास्ट ज़्यादा नहीं, मतलब दूध गर्म कर लेंगे और बिस्कुट से पी लेंगे। तो करीब 10 बजे बज चुके हैं और 12 बजे हमारा खाना होगा, तो खाने बनाने की तैयारी करेंगे। तो ठीक है, पहले दूध पी लेते हैं खाली बिस्कुट के साथ। तो ठीक है, आज ब्रेकफास्ट ट्रॉक में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो क्योंकि जब तक ब्रेकफास्ट ट्रॉक करके हम निपटेंगे तब तक 12 बज जाएंगे, फिर से खाना फिर वो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए खाना जल्दी कर लेंगे, 11 बजे खाना खा लेंगे। तो बस दूध गर्म करते हैं और पीते हैं। A few moments later. लो जी, नया सिलेंडर लग गया है और पापा जी ने दूध गर्म कर दिया है, तो बस अब पीते हैं दूध। आ जाओ पीते हैं। बिस्कुट कहाँ मेरा? लो जी आ गया है बिस्कुट। ये बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, इतना ही बड़ा रह रहा है। बचपन से हम इतने बड़े हो गए लेकिन ये बच्चा इतना ही बड़ा आ रहा है। खैर कोई नहीं, हम बिस्कुट लेंगे और हम बिस्कुट खाते हैं। ताऊ जी आए हुए हैं बाग में से, तो अब इनका स्वास्थ्य सही है लेकिन फिर भी अभी मतलब परेशानी है, बुखार है हल्का हल्का इनके शरीर में। तो सुबह जल्दी आ गए थे तो आए हैं, तो पापा जी चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं इनके लिए। ये बैठे हुए ताऊ जी फोन लगवाने आए थे कि घर पे फोन लगा दो और अपने ताई जी से बोल दो बेटा कि मतलब मेरी दवाई ले आए। तो ताई जी को मैंने नंबर लगाया तो उनका नंबर लग नहीं रहा है, जैसे ही नंबर लगेगा मैं उन्हें बोल दूंगा ताई जी के लिए कि ताऊ जी की दवाई लेकर आ जाए बाग में, तो वो आ जाएंगे। तब तक मतलब इन्हें चाय नाश्ता करा देते हैं। तो ठीक है, इन्हें चाय नाश्ता कराने के बाद मैं चलता हूँ फार्म पर और देखता हूँ ट्यूबवेल की लाइट आई है नहीं आई है, क्योंकि तार सही हो चुके हैं ट्यूबवेल के, तो आज हम गन्ने में पानी चलाएंगे। लो जी चाय बनाने की शुरुआत कर दी पापा जी ने, और यहाँ पर मतलब पापा जी बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं, और बड़ी दीदी के यहाँ पर हमारे जिया जी हैं, बड़े जिया जी वो इतनी टेस्टी चाय बनाते हैं बहुत ज़्यादा, उनके हाथों में जादू है ये समझो, इतनी टेस्टी चाय बनती है जिया जी के हाथ की और पापा जी के हाथ की बहुत ज़्यादा। किसी के हाथ की चाय पसंद नहीं मुझे, मतलब यहाँ पर घर पे पापा जी के हाथ की चाय और वहाँ पर बड़े जिया जी के हाथ की चाय मुझे बहुत पसंद है। हमारे घर पे 2 दिन से चावल नहीं थे तो मेरा पेट नहीं भर पा रहा था, क्योंकि मैं चावल का ज़्यादा ही शौकीन हूँ, क्योंकि कल रामपुर चला गया था तो निकाल नहीं पाया, इसमें ये हमारे कस्ता है काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इनमें 10 10 क्विंटल मतलब चावल आते हैं और गेहूँ करीब 15 16 क्विंटल आते हैं, तो मतलब मैं निकाल नहीं पाया रामपुर जाने के कारण, तो आज निकाल रहा हूँ और इन्हें सुखा लूंगा, क्योंकि पहले निकालने से ना निकालने के बाद सुखाना पड़ते हैं ये, ताकि चावल टूटे नहीं। ये देखो ये शरबत की हमारी, तो मैं निकाल रहा हूँ। तो ठीक है, पहले ये निकाल कर सूखने डाल देता हूँ, फिर उसके बाद दोपहर को या शाम को जैसे ही मौका लगे वैसे ही मैं इन्हें कुटवा लेता हूँ सेलर पर जाकर। लो जी ये दोनों कट्टे निकाल लिए हैं मैंने शरबती के, तो इन्हें लौट देता हूँ धूप में सुखा देता हूँ। लो जी हमने ये अपनी शरबती फैला दी है सूखने के लिए, अब ये सूख जाएगी आराम से, ये देखो। और जैसे ये सूख जाती है वैसे ही मैं इन्हें कट्टे में भर के फिर ले जाएंगे सेलर पर और इनके मतलब चावल बनवा लेंगे। अब मम्मी जी बोल रही है कि बेटा एक काम और कर दे हाथ के हाथ, कि जो गेहूं है एक कट्टा गेहूं निकाल दे, वो भी सूख जाएंगे, फिर उन्हें धीरे धीरे साफ करते रहेंगे। तो ठीक है, अब निकालता हूँ गेहूं एक कट्टा, ताकि आटा खत्म होने से पहले गेहूं मतलब रेडी हो पिसने के लिए, तैयार हो, क्योंकि उनमें वो जो मिट्टी विट्टी होती है, गिट्टी विट्टी वो होती है, वो बीन लेते हैं बिल्कुल प्योर मात्रा में, मतलब गेहूं होते हैं तभी पिसाते हैं हम। तो ठीक है, आज गेहूं निकाल लेते हैं, उन्हें सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद वो साफ हो जाएंगे। हमारे इस वाले कनस्तर में बासमती है और इस वाले में गेहूं है, तो इसमें से गेहूं निकालते हैं, इन्हें कुठिया कहते हैं हम गाँव में, कुठिया वैसे बड़े कनस्तर होते हैं ये, तो निकालना है गेहूं। लो जी ये है गेहूं हमारे, ये देखो वैसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ है, लेकिन इन्हें थोड़े से सुखा लेंगे तो चक्की में अच्छे से पिस जाएंगे। तो ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ गेहूँ पहले। लो जी ये गेहूँ निकाल लिए हैं और बाकी ये रहेगा इन्हें बाद में डाल देंगे, तो इन्हें ले चलते हैं उस तरफ और वहाँ पर दो खाट बिछा दी मैंने, उन पर पल्ली डालकर इन्हें सूखने रख डाल देंगे। लो जी एक पल्ली बिछा दी है चारपाई पर और दूसरी पल्ली उधर बिछा देंगे, उधर भी पल्ली बिछाने के बाद इस पर हमने गेहूँ डाल दिए हैं और अब इसे फैला देंगे। लो जी पतले पतले गेहूँ फैला दिए हैं, एक कट्टा गेहूँ, ये कट्टा काफ़ी हो जाते हैं करीब 20 25 दिन के लिए, तो ये फैला दिए हैं, ये सूख जाएंगे शाम तक सूखेंगे और फिर इन्हें भर लेंगे और साफ करने के बाद आप पिसवा लेंगे। तो ठीक है, अब नहाता हूँ धोता हूँ और खाना भी हमारा तैयार हो गया है।
और इधर ये धान सूख रहे हैं और मम्मी जी तैयार कर रही हैं खाना। ये दाल बिन रही है, अरहर की दाल लेकर आए थे कल, ये देखो। करो साफ क्या? अब मेरे को हाथ धोने के लिए। गेहूँ हमारे लगभग लगभग सूख चुके हैं और धान भी हमारे लगभग सूख चुके हैं, अब इनको भी इकट्ठा कर लेंगे। और मैं और पापा जी जा रहे हैं तेल पुरवाने, तो लेटा लेकर जा रहे हैं, तो जो लेटा का कोलू होता है, लेटा का कोलू, तो उस पर हम लेटा पुरवाएंगे। और उससे जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो खल हो कहते हैं उसके लिए, तो वो भैंस की सांदी के काम आ जाएगी। तो ठीक है, मैं और पापा जी निकलते हैं कोलू पर तेल पुरवाने के लिए। हेलमेट रह गया था तो रास्ते में साया हूँ, क्योंकि मैं बिना हेलमेट के मुझसे बाइक नहीं चलती, क्योंकि आँखों में ना धूल मिट्टी चलती रहती है, तो बस यही है। तो धूल मिट्टी से बचने के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हम तो जैसे ही बाहर निकला, जैसे ही मुझे याद आया कि हेलमेट ज़रूरी है, कि पापा जी वहाँ खड़े हैं। ये बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर जाकर सरसों का कोलू है, जहाँ पर हम सरसों पुरवाएंगे। A few moments later. आ गए हैं कोलू पर, जहाँ पर हम लेटा पुरवाएंगे अपने। तो लेटा में इसमें थोड़ा पानी भी डालेंगे, तो ये भैया पानी चला रहा है, पानी डालेंगे। तो बस पुरवाते हैं। तो जो प्रोसेस है लेटा पेरने का और तेल निकालने का, शुद्ध मात्रा में तेल मिल जाएगा हमें हमारे लेटा पे हम पुरवाएंगे, तो वो प्रोसेस मैं दिखाऊंगा आपके लिए। लो जी, प्रोसेस शुरू हो गया है तेल निकालने का। मैं दिखाता हूँ, ये कोलू है, लेटा का कोलू है, इसमें लेटा डाल दिया है, एक कनस्तर भर के डाल दिया, बाकी दूसरा कनस्तर ये रह गया, ये भी डाल देंगे। और देखो इधर से खल निकलने शुरू हो गई है, इधर से ये लेटा आ रहा है इसमें से, और इसमें से ये कच्चे हुए गोल गोल और ना होता है, और जैसे ये खल बन रही है। ये लेटा मतलब पिसकर आ रहा है महीन करके बारी होगा, उसी खल बन रही है, और जिससे ये तेल निकल रहा है। इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, मतलब हमारा ही लेटा है और हमारा ही शुद्ध मात्रा में तेल मिलेगा और ये फल मिलेगी हमें। तो हम मतलब मोल का नहीं खाते, अपना ही घर का ही जो लेटा होता है, लाई होती है, सरसों होती है, उसका ही तेल निकल पाते हैं। तो आधी फल इसमें आ गई है इसमें, ये देखो, और ये फल निकल रही है, ये काफ़ी गर्म है अभी, ये और मतलब इसमें कोलू में पड़ेगी, उसके बाद इसमें से अभी और तेल निकलेगा, ये देखो काफ़ी गर्म हो रही है और ये निकल रही है। देखो कितनी मतलब मिक्सा बनकर निकल रही है, पापा जी उस तरफ बैठे हुए इधर गए, वो बैठे हुए पापा जी। ये जो फल है वो दोबारा दिया डाल दिए उसको, इसमें देखो अब इसका चूरा बन बन के ये नीचे गिर रही है, इसमें से मतलब तेल निकल रहा है, ये प्रॉपर तेल देखो हल्का सा तेल आ रहा है। इसे एक बार उड़ा लेंगे, इसका नहीं तीन बार डालते हैं, एक बार जब सारा तेल निकल जाता है, सारा तेल यहाँ पर रखा जा रहा है और काफी स्वाद रहने। यहाँ पर लेटर निकल रहा है तो काफ़ी फल घर आ रही है आँखों में, मतलब आँखों में आँख जैसे आ रहे हैं और आँखों में लग रही है उसके घर लेटा की, क्योंकि प्योर लेटा है यहाँ पर, प्योर लेटा के जब तेल निकलता है तो घर आती है आँखों में लगती है। A few moments later. लो जी, लेटा में से हमारा तेल निकल आया, मैं दिखाता हूँ तेल, ये प्योर तेल है और ये इतनी खल बन गई है, ये देखो ये खल बन चुकी है, जो कि भैंस मतलब नान करने में काम आ जाएगी भैंस के चारे में। तो ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से और रास्ते में बाजार पर भी है, तो हम बाजार कर लेंगे, एक दो हरी सब्जी ले जाएंगे। तो ठीक है, निकलते हैं। A few moments later. लो जी, आ गए हैं बाजार में यहाँ पर, और यहाँ से कुछ सब्जी देख लेता हूँ मैं।
तो इस तरफ निकलता हूँ बाजार में अंदर की तरफ। इधर ये आलूओं की लाइन है और इस तरफ सब्जी की लाइन है, तो इस तरफ सब्जी देख लेता हूँ। जाकर मैं आगे देख लेता हूँ सब्जी, पहले ट्राई कर लेता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या सब्जी है। पूरी बाजार है, इधर काफी टंडे हैं जी। बैगन देख लेता हूँ, मम्मी बोल रही थी बैगन। भैया बैगन कैसे है? 25 का आधा किलो। सही है, बंद गोभी 40। यहाँ से बैगन ले लिए हैं 1 किलो, अच्छे हैं देखने में, बढ़िया लग रहा है। अरवी भी ले लेता हूँ, अरवी सही लग रही है। भैया अरवी कैसे दिया? अरवी है गल जाएगी ये? दे दो 1 किलो, दे दो अरवी, दे दो 1 किलो अरवी ले लिए। बाकी हरी मिर्च तो है, मैं वहां से ले गया था बाजार में से, और हमारी गाड़ी उस पर खड़ी है पापा जी की। और सारी बाजार इस तरह, गर्मी काफी हो रही है, इन्होंने पन्नी टांग रखी तो उससे ज्यादा उमस हो रही है। और हरी मिर्च भी घर पे है तो बस काम चल जाएगा दो सब्जियों से ही, बाकी कल या परसों दूसरी बाजार हो जाएगी। तो ठीक है, निकलते हैं घर की तरफ और बाइक पे पहुंचते हैं। पन्नी काफी नीचे बांध रखी है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, लग रही है चल रही। और हमारी बाइक इस तरफ पड़ी, पापा जी से बात कर रहे हैं। आगे हूँ अपनी बाइक पर, तो ठीक है अब निकलते हैं घर पे और बाकी का ब्लॉग अब घर पे जाकर। A few moments later, लो जी आगे हूँ घर पे, पसीने पसीने हो रहा है काफी, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो ठीक है पंडू, पता नहीं पंडू क्या कर रहा है, कोई नहीं इन्हें झगड़ नहीं देती है, झगड़ नहीं रहे ऐसी बात कर रहा है। तो ठीक है मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है।